प्रॉपर्टी डीलर सुशील यादव और विपिन विश्वकर्मा के बीच गैंगवार हुई। इसमें कमजोर पड़ने वाला मारा गया, नाम था विपिन विश्वकर्मा, उम्र मात्र 24 साल। और उसमें दिखाया जा रहा है कि ग्लोबल टीवी जो है उसके माध्यम से दिखाया जा रहा है कि हमारी हत्या कर दी गई है लखनऊ में। तो आपने ठीक सुना, जहां एक तरफ ग्लोबल भारत टीवी एक तस्वीर दिखाकर नीचे विपिन विश्वकर्मा नाम बताते हुए उस शख्स की गोली मारकर हत्या का जिक्र कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उस तस्वीर वाला शख्स जिंदा निकल गया है। जौनपुर जिले के जफराबाद का रहने वाला विपिन विश्वकर्मा आज भौचक्का रह गया जब उसके दोस्तों ने एक खबर भेजी और दिखाया कि लखनऊ में तुम्हारे हत्या होने की खबर चल रही है। आनन फानन में विपिन विश्वकर्मा ने थाने की तरफ दौड़ लगाई। उन्होंने अपना सफाई पेश करते हुए थानाध्यक्ष से पूरे घटना का विवरण दिया कि वह एक व्यवसायी हैं और वह जौनपुर जिले में रहते हैं, जहां ग्लोबल टीवी एक तरफ बड़े बड़े माफियाओं का नाम लेते हुए उस माफियाओं के करतबों में विपिन विश्वकर्मा का नाम जोड़ रहा है, वहीं उस तस्वीर में दिखाया गया विपिन विश्वकर्मा आखिर जिंदा कैसे है। चलिए ग्लोबल भारत की ये खबर पहले आपको दिखा देते हैं। तीसरा गैंगवार इतना खतरनाक था कि पुलिस वालों के कान के बगल से गोली निकली। लखनऊ में ठाकुरगंज की रिंग रोड चौकी के पास प्रॉपर्टी डीलर सुशील यादव और विपिन विश्वकर्मा के बीच गैंगवार हुई। इसमें कमजोर पड़ने वाला मारा गया, नाम था विपिन विश्वकर्मा, उम्र मात्र 24 साल। तो सुना आपने पूरा मामला, जहां शम्स ताहिर खान के अंदाज में ग्लोबल भारत के जर्नलिस्ट ने पूरी कहानी को सही तरीके से बाज तो दिया, लेकिन वहीं इस खबर में दिखाई गई तस्वीर झूठी निकली। इस खबर में जिन्हें इन्होंने विपिन विश्वकर्मा का नाम दिया, वो विपिन विश्वकर्मा कोई और था। चलिए दिखाते हैं और आपको पूरे खबर के मामले को समझाने का एक प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन विश्वकर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जफराबाद जौनपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, अभी जो ने हमें बताया था कि कुछ वीडियो हाथ में लगे हैं जिससे आपको जान का खतरा लग रहा है, ये पूरी चीज़ों को जरा स्पष्ट बताइए, क्या है मामला? जी बिल्कुल, लग रहा है हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा और वो वीडियो हम देखे और उसमें दिखाया जा रहा है कि ग्लोबल टीवी जो है उसके माध्यम से दिखाया जा रहा है कि हमारी हत्या कर दी गई है लखनऊ में। तो इससे हमें जान का खतरा नहीं, मतलब पूरा अच्छे से सोच के बताइए कि उस पूरे वीडियो में जो आपको ये मित्र ने जो आपको भेजा लखनऊ में हत्या या ग्लोबल भारत में, मतलब क्या आपको दिखाया उसमें, किस रोल में आपको दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं उसमें? हमको मेरे मतलब हत्या के रूप में मेरा फोटो मेरा नाम के साथ दिखाया गया जी, कि आप एक गैंगस्टर हैं। जी ये दिखाया गया कि हम एक गैंगस्टर हैं और उसमें हमारी हत्या गोली मार के कर दी गई है। अच्छा, उस वीडियो को अगर मतलब हम लोगों ने भी देखा ही है, उस वीडियो में और भी कुछ नेताओं का नाम लिया जा रहा है, कुछ माफियाओं का नाम लिया जा रहा है, उस क्या पर्पस? जी प्रदेश के जो बड़े बड़े माफिया हैं उनका उनके बारे में दिखाया जा रहा है, उससे जोड़ के हमको दिखाया जा रहा है उसमें, इससे हमें जान माल का खतरा है। अच्छा, मतलब लखनऊ आपका जाना आना होता है हर महीने काम के सिलसिले में, आरओ का मेरा काम है, इसको लेके हर महीने हमारा आना जाना होता है लखनऊ। अच्छा अच्छा, ग्लोबल भारत से कोई लेना देना या जो चैनल है इससे कभी आपकी कोई बातचीत? नहीं, ग्लोबल भारत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना कोई बहस हुई, ना कभी फ़ोन के माध्यम से या किसी माध्यम से कोई संपर्क नहीं है हमारा। अच्छा, इस मामले में आपने अपने कोई अग्रिम कार्रवाई के लिए किसी थाना चौकी किसी से संपर्क किया? अभी गए थे जफराबाद थाने, वहाँ जो थाना अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा कि आप कल आइए, तो इस मामले को लेकर कल हम फिर जाएंगे वहाँ। मतलब आपको इस मामले को लेकर उन्होंने टाइम पीरियड दे दिया कि आप कल आइए? जी। तो आप डर महसूस कर रहे हैं कि लखनऊ जाना हुआ तो? बिल्कुल, लखनऊ जाने में बहुत डर लग रहा है, कैसे जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, ये भी कहीं आपके दिमाग में ऐसा कोई बात की हमें जौनपुर में भी अब इस तरह का खतरा बढ़ चुका है? बिल्कुल, इस खबर से बिल्कुल लग रहा है खतरा हमको जौनपुर में लग रहा है। और ग्लोबल टीवी को आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की? अभी तक तो नहीं की कोशिश। अच्छा, मतलब कहीं सर्च वगैरह किया उनके बारे में, कुछ जानने की कोशिश की?
हाँ, एक न्यूज चैनल है वो, जो नोएडा में इनका स्थित ऑफिस स्थित है। अच्छा, नोएडा ऑफिस है ग्लोबल भारत की। जी अच्छा, तो इस मामले में अभी जो इन्होंने दिखाया है चैनल के माध्यम से, कभी आपका कोई क्राइम हिस्ट्री रहा है किसी प्रकार? मेरा कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है, इससे दूर दूर से मेरा कोई नाता नहीं है। मैं एक छोटा सा व्यवसायी हूँ, आरओ का काम करता हूँ, पिछले 5 से 6 साल से अपना यही काम करता हूँ। कोई थाने कहीं कोई मुकदमा नहीं, ना किसी से कोई मारपीट होती है। आपने विपिन विश्वकर्मा को भी सुना, चलिए अब बताते हैं कि ग्लोबल भारत से ये खामी कैसे हुई। गूगल पर विपिन विश्वकर्मा सर्च करने के बाद जो पहली तस्वीर मिली वो जौनपुर के विपिन विश्वकर्मा की ही मिली, जिसे क्लिक करने के बाद जब देखा गया तो ये तस्वीर जौनपुर के विपिन विश्वकर्मा की थी, ना कि गैंगवार में मारे गए विपिन विश्वकर्मा जिसे लखनऊ में दिखाया गया था। जब इस मामले के तहकीकात को लेकर ग्लोबल भारत से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, तो आइए आपको सुनाते हैं कि ग्लोबल भारत के जर्नलिस्टों ने अपने इस गलती पर चैनल को क्या जवाब दिया। हेलो हेलो हेलो, हाँ जौनपुर से बात कर रहे हैं आप? जी जी, जौनपुर से बात कर रहा हूँ। मैं लखनऊ से ग्लोबल भारत शिवम बात कर रहा था, ग्लोबल भारत से। जी शिवम जी, बताइए। जी बताएं, आपने फोन किया था शायद ऑफिस में बात करना चाह रहे थे। जी बात जो होना था उनसे हो गया, जो भी आपका नंबर है उस पे फेसबुक पेज पे। हाँ, तो देखिए जो भी है वो ऑपरेट करने, उनको बात करने का एकदम सहूलियत नहीं है सर। ठीक, क्या हुआ, क्या बोला? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ यहाँ का, यहाँ का एक मामला सामने आया है कल की, जौनपुर से हूँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ का एक मामला आया था कल का, एक ग्लोबल टीवी पे न्यूज लगा था, कोई श्री प्रकाश शुक्ला का गैंग वापस आ रहा है ऐसा कुछ उसका टैगलाइन था। ठीक है, तो उसमें उन्होंने एक कैंडिडेट को दिखाया है विपिन विश्वकर्मा की, अभी हाल ही में एक गैंगवार हुआ जिसमें विपिन विश्वकर्मा नामक व्यक्ति मारा गया। ठीक, तो जो तस्वीर जो नाम है वो मेरे साथ इस समय बैठा था जब उनसे मेरी बात हो रही थी। ठीक, वो शख्स का ये कहना है वो एक छोटे से आरओ की दुकान पर काम करता है। ठीक, अब सोचिए कि एक दुकान पे काम करने वाला लड़का, अब उसकी क्या इज्जत रह जाएगी अगर कल को कहीं जाएगा उस खबर को देख के, उसका रेपुटेशन डाउन होगा। ठीक है, खैर इनको इन्फॉर्म किया गया, ग्लोबल टीवी का मैंने कॉन्टेक्ट नंबर निकाला कि भाई जो भी है पत्रकार है गलतियां अगर हुई है तो उसको समय पे सुधार लें। तो ये हमको तुम तलाक, गलती हुई नहीं ना पहली बार। तो अगर नहीं हुई है सब तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं हुआ है, एक बार जो खबर दिखाई गई थी वो एक बार फिर से देख लीजिए। एक विपिन विश्वकर्मा 23 साल का लड़का था जो गैंगवार में मारा गया था। ठीक है, और ये मार हुई थी 2020 में। ठीक है, ये ठाकुरगंज में हुई थी। ना हो तो आप गूगल में सर्च मारिए, आपको मिल जाएगी पूरी बात। सही है, हो सकता है कि जो क्रिमिनल मारा गया हो उसका नाम विपिन विश्वकर्मा रहा हो। ठीक है, मैं इस चीज को चलिए एग्री करता हूँ। विपिन विश्वकर्मा 500 लोग होंगे उसमें, ये थोड़ी ना है कि कोई जो तस्वीर है नहीं, फोटो भी सही है। तो मैं अभी आपको कुछ टाइम में भेजता हूँ। ठीक है, बारिश हो रही यहाँ पे, बारिश बंद हो जाने दीजिए। मैं आपको उस लड़के का आपको विजुअल भेजता हूँ, पूरा बयान। ठीक है। हेलो देखिए सर, भाई साहब मेरे ख्याल से जर्नलिज्म आपने किया भी है कि फर्जी आप बता रहे हैं? नहीं, फोटो पहले देखिए। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। और फोटो अपने साथ वाले व्यक्ति की देखिए, उसमें देखिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो सेम फोटो मंगाए उसकी जो फोटो लगी है? अरे क्यों फर्जी बकवास कर रहे हो यार, ये गलत तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं। गलत तरीके से क्या कर रहे हैं? सुनो एक चीज बताए, हमसे ग्लोबल टीवी भारत से या ये विपिन विश्वकर्मा से क्या लेना देना? एक कॉमन सेंस की बात आप सोचो, मेरा कोई लेना देना है नहीं। आप एक चीज ये बताओ, किस पेपर में हो तुम, किस पेपर में हो? मेरा खुद का न्यूज पोर्टल चलता है, मैं संगठन चलता है, ATI न्यूज से है। ठीक है यार, तुम भी कसम से यार, जौनपुर में बैठे हो, लखनऊ वाले यार रिपोर्टर से बात कर रहे हो यार। तो वहाँ के रिपोर्टर्स कुछ अलग पढ़ाई करते हैं शिवम जी? नहीं अलग पढ़ाई नहीं है, थोड़े तथ्य में बात कर रहे हैं। हमको तो लगा कम से कम आप समझदारी से बात करेंगे, लेकिन वो जो शख्स था आप उसी तरीके, ये बताओ, एक अपराधी की फोटो उसमें लगाई गई है और तुम अपने दोस्त को अपराधी से कंपेयर कर रहे हो? अरे वो मेरा दोस्त क्यों होगा यार, यही चीज तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, मुझे उससे कुछ लेना देना है नहीं इनसे। मुझे एज अ जौनपुर पत्रकार संघ यूनियन के होने के नाते ये चीज हम लोगों के कांटेक्ट में आई, तो हमने बुलवाया उस लड़के को कि आइए आप, वो आए हैं, हम लोगों से मिले हैं, उसने ही खबर की स्क्रीनशॉट दी, उसने ही खबर की लिंक दी,
आपका रिपोर्टर कहता है कि मैं धनंजय का आदमी हूँ, आप कहाँ से पढ़े हैं? वो आपके रिपोर्टर जो है वो कहाँ से पढ़े हैं भैया? आप एक जर्नलिस्ट को बताते हो उनका आदमी हो, धनंजय का आदमी हो, मुख्तार का आदमी हो, ये वर्डिंग है वो आपका, आपका जो भी लड़का है जो भी व्हाट्सएप चलाता है, फेसबुक पे जो नंबर है आपका, उस पे जब मैंने मैसेज करके ये बस पूछा कि क्या ये खबर आपने पर्सनली वेरीफाई किया था? अरे यार तुमको, तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? राणा सिंह नाम है। राणा सिंह, राणा सिंह यार सुनो जी, पहली बात तो ये है कि अच्छे से देख लो खबर को, ठीक है, और अच्छे से देख के समझ लो खबर क्या है, ठीक है, और गूगल पे सर्च मार लो, थोड़ा देख लो, ठीक है। वो करने के बाद ही मैंने कॉल किया था, फिर आगे है ना, तो कर लो अच्छे से देख लो, बाकी हमारी जो रिपोर्ट है वो एकदम सही है, ठीक है, बाकी तुम अपने साथ जो तुम्हें कार्रवाई करनी है, जो करना है एक काम से। अच्छा आप ही बात कर रहे थे क्या हमसे व्हाट्सएप पे, ये चीज बताओ? नहीं नहीं हम नहीं बात कर रहे थे। नहीं वर्डिंग एकदम सेम मिल रही है सर, क्योंकि जब मैं आपसे दो बार कह चुका कि ना मैं उससे उसको जानता हूँ ना आप लोगों को, ठीक, वेरीफाई होने के लिए अगर मैंने आप लोगों को कॉल कर लिया, अगर आपको एक मीडिया पर्सन होने के नाते मैंने आपसे कोऑपरेट करके बात कर ली कि एक बार उनको चैनल से पूछ ले क्या स्थिति, गलती हो गई। मैं तुमको बता तो रहा हूँ, बता रहा हूँ यार, तो यही नहीं, आपने अपना क्लियरेंस दे दिया, मैंने आपसे मांगा बस एक पर्टिकुलर एक ही जात होने के नाते। तुम भाई कौन हो यार जो मैं तुमको क्लियरेंस दूंगा? एक पत्रकार, एक पत्रकार से वेरिफिकेशन ले सकता है कि भाई ये खबर कैसे लगे हो? तुम कहीं के पत्रकार हो यार, मैं तुमको क्लियरेंस क्यों दूंगा दोस्त? भाई आप लोगों का ना ईगो बहुत ज्यादा है भैया, एक चीज आपको बता, ईगो वाली बात वाकई बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस वही 26 साल एज है मेरी, बहुत छोटे हो यार दोस्त, आप 50 साल के होंगे, आप वेल सीनियर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, आप बहुत बड़ी हार्वर्ड वगैरह यूनिवर्सिटी से हो सकता है मास्कॉम किए हो, हम लोग तो छोटे मोटे विद्यालयों से कर लिए हैं ना, इसलिए हो सकता है हम नहीं थोड़ा कहने को तथ्य पे बात किया करो यार, विदाउट तथ्य बात नहीं करते। लाखों लोग न्यूज देख ली, ठीक है, और पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर सबने देख ली, उनको नहीं लगा, तुमको लग गया है? उनको नहीं लगा, हमको लग गया, इसलिए लगा कि विक्टिम जो है जो अपनी आईडी कार्ड अपना नाम अपना चेहरा लेके मेरे पास आया था भैया। जाओ जहाँ जहाँ पे तुम्हें मुकदमा करना कर लो, हमको क्यों करना है यार, हमें खबर बनाना, हम बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, बनाते, ठीक ठीक, ओके थैंक यू। तो आपने सुना, ये एक पत्रकार थे जो अपने आप को ग्लोबल भारत के जर्नलिस्ट बता रहे थे। इसके साथ ही साथ ग्लोबल भारत ने जर्नलिस्टों को जहां एक तरीके से यह सवाल खड़ा किया कि आपने पत्रकारिता किस तरीके से पढ़ी है, किस ढंग से पढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल भारत का फेसबुक पेज पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहां मैसेज करने पर सामने से जवाब आता है कि क्या आप किसी माफिया के आदमी हो, क्या क्या आप धनंजय के गुर्गे हो। खैर, ग्लोबल टीवी के पक्ष में या विपक्ष में खबर चलाने बनाने का हमारा कोई मकसद नहीं था, इस लड़के को न्याय मिल सके और ग्लोबल भारत जो गलती किया है उससे इस लड़के को कोई हानि ना पहुंचे, सिर्फ ATI का यही मकसद था। धन्यवाद।